आज हम 54 एक्सरसाइज की डिक्टेशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपने इस पैसेज को कैसे प्रैक्टिस करना है, 10 टाइम्स इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी शॉर्ट हैंड नोटबुक में। या फिर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुश्किल मुश्किल वर्ड्स जो आपको लग रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे बनाने हैं, उनको आप पिक करके इनमें से उनको लिखें इंग्लिश में, देन शॉर्ट हैंड में उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। कितनी लाइन्स प्रैक्टिस करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। आप कम से कम 4 to 5 लाइन्स तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, और अगर आपको लगता है ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आपने वो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देन आपने ग्रैमलॉग्स की डिक्टेशन ज़रूर लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ग्रैमलॉग्स की डिक्टेशन भी ले सकते हैं। तो सो आई होप आपने अब तक इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। तो अब हम इसकी डिक्टेशन करेंगे। आपने कॉमा के लिए यहाँ पर मैं 2 सेकंड का जो है पॉज दूंगी, तो आपने वहां पर कॉमा लगाना है। गेट रेडी स्टार्ट। लोकल अथॉरिटीज एज बोरो एंड अर्बन काउंसिल्स जनरली डराइव दियर मेन revenue from the rates they levy full stop they may of course receive profits from any business carried on by them within the borough full stop over and above all this they receive allowances from the state full stop either men or women may appeal to the authorities and they very often do if they think they have been unfairly assessed full stop but it will be difficult for them to obtain relief unless they are able to prove their case and satisfy the authorities as to a supposed overcharge full stop। तो यहाँ पे आपका पैसेज कंप्लीट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने उस पैसेज को ट्रांसक्राइब करना है इंग्लिश में जैसे यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपने उसको चेक करना है। चेक कैसे करोगे आप, आपने यहाँ से स्पेलिंग्स देखनी है, अपनी स्पेलिंग्स को देखना है। तो जितनी स्पेलिंग्स आपकी गलत होंगी उतनी मिस्टेक्स आपकी मानी जाएंगी। तो आपने इसके बाद अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव ज़रूर करना है। बिना इम्प्रूव करे आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका ये डिक्टेशंस लेने का। आपने उनको और प्रैक्टिस करना है, देन अगेन ये डिक्टेशन ज़रूर लेनी है ताकि आपको पता चले कि आपने कितना इम्प्रूव उसे किया है। देन आप नेक्स्ट डिक्टेशन ज़रूर लें। अगर आपने प्रीवियस डिक्टेशंस नहीं ली हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो ज़रूर ले सकते हैं।